साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी? बहुत बढ़िया होंगे। अब रिजल्ट के बारे में तो आप सभी ने देख ही लिया होगा कि कैसा रिजल्ट रहा है, कैसा क्या हुआ है। साथियों, जिनका सिलेक्शन हुआ है दोगुने में, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और भगवान करे उनका सिलेक्शन एक गुने में भी आए। साथियों, ये मैं दिल की मैं दुआ उनको देता हूँ। साथियों, अगर पहली बार आप चैनल पर जरूर आए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इस दोस्त को मोटिवेशन कीजिए। साथियों साथियों, आपका एक सब्सक्राइबर, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो साथियों, यही दुआ है कि आप सभी का सिलेक्शन हो, और इसी दुआ के साथ आगे बढ़ते हैं कि शायद आपके इतने नंबर बन रहे होंगे। ये पिक्स नहीं है जो मैं यहाँ पर नंबर बता रहा हूँ, ये कोई पिक्स आंकड़ा नहीं है। मैं भी एक तजुर्बे के आधार पर, एक ये मान के चलिए एक्सपीरियंस के आधार पर, या पूरा जो रिसर्च जो भी बताया जा रहा है, उन सभी का कंक्लूजन मैंने निकाला है, और उस कंक्लूजन के आधार पर मैं आप लोगों को यहाँ पर एक अनुमानित आंकड़ा मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। साथियों, यानी कि जो अभी दुगने की जो यहाँ पर हमारे मार्क्स जो बताए हैं कि दुगने में इतने मार्क्स गए हैं, इतनी कट ऑफ गई है, अब एक गुणे के लिए कितनी कट ऑफ रह सकती है, यही मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। साथियों, यहाँ पर मैं केवल अभी कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ, बाकी जो कैटेगरीज हैं वो यहाँ पर ये सोच ले कि 5 से 6 नंबर उनके कम ही रहेंगे। साथियों, तो थोड़ा सा विश्वास मानिए, और विश्वास अगर आपको नहीं होता है तो प्लीज डीमोटिवेट नहीं हुए। मतलब ये भी देखो, हम लोग भी क्या है कि एक अनुमानित आंकड़ा ही बता पाते हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि आरपीएससी के कोई चेयरमैन, मैं तो ये कहता हूँ आरपीएससी के चेयरमैन साहब भी नहीं, या फिर जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उनके चेयरमैन साहब भी नहीं बता सकते कि एक गुणे में कितनी जाएगी। ये 100% है, लेकिन एक अनुमानित आंकड़ा क्या रह सकता है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर सामने बता रहा हूँ। ठीक है साथियों, किसी को देखो इतना नहीं, अगर नहीं बन रहा हो तो किसी को बुरा भी लग सकता है, लेकिन बुरा लगने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखें इस चीज को, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये कोई पिक्स आंकड़ा नहीं है, इससे कम भी रह सकती है और इससे ज्यादा भी रह सकती है, लेकिन इससे ज्यादा जाने की संभावना मुझे बिल्कुल भी नहीं है। मेरी तो मैं बता दूं, इससे ज्यादा जाने की संभावना, अब जब रिजल्ट आएगा एक गुणे का, तो इससे ज्यादा जाने की संभावना मुझे बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं बार बार आप लोगों से ये बात कर रहा हूं साथ। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों। अब इसी के साथ देख लीजिए, अब आप लोग जनरल के आप सभी को पता है 186 नंबर गए हैं, ओबीसी का आप सबको पता है 175 नंबर गए, एससी का आप सभी को पता है कि 157 नंबर गए हैं, एसटी के 143 नंबर गए, एमबीसी के 172 और ईडब्ल्यूएस के 166 नंबर गए। बहुत वेरिएशन किया है नंबर्स ने, इतना वेरिएशन किया है साथियों, इतना वेरिएशन किया है, मतलब सोच नहीं सकते थे कि यार इतना वेरिएशन आ जाएगा। देखो ओबीसी और जनरल में देखो आप, 10 नंबर का कम से कम अंतर आ रहा है, लगभग 10 नंबर का अंतर आ रहा है। अब आप सोच लीजिए, इधर से एससी एसटी में देखो आप कितने का नंबर का अंतर आ रहा है। आप यहां पर देख लीजिए एमबीसी में और एमबीसी में और ओबीसी में तो ज्यादा अंतर नहीं है, एमबीसी में और ओबीसी में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ईडब्ल्यूएस और जनरल में देखिए आप, ईडब्ल्यूएस और जनरल में देखो कितना अंतर है। ईडब्ल्यूएस और जनरल, यानी कि जनरल में जो भी ईडब्ल्यूएस में आए हैं उनको बहुत बेनिफिट हुआ है साथियों, मतलब ये बेनिफिट उठाना भी चाहिए भाई। आज समय ऐसा चल रहा है, जब ये समय ऐसा चल रहा है तो हम लोग क्यों पीछे रहे, मैं तो एक सिंपल सी बात करता हूं। अब साथियों आपको ये देखना है यहां पर कि अब क्या रह सकते हैं मार्क्स। इतने मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप बिल्कुल निराश होने की आपको आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी निराश मत होइए। आपने देखा होगा अभी पत्रिका या भास्कर में भी यही बताया गया था कि 10 से 15 नंबर का उछाल अब जब भी कट ऑफ आएगी उसमें हो सकता है, और ऐसा होने के पीछे रीजन है क्वेश्चनों का डिलीट होना। ऐसा क्यों हो रहा है? जब क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं तो ऐसा इसलिए हो रहा है साथियों। साथियों, ये आपका दोस्त, मैं आपसे ये वादा करता हूं
जो भी मैं आपको बताता हूँ दिल से बताता हूँ, मैंने पहले भी बताया था कि इतनी ही जाएगी उतनी ही गई है, आप देख लीजिए मेरा वीडियो पहले भी डला हुआ है। और बहुत सारे स्टूडेंट ने ये कमेंट किया, अरे सर आप फिर नजर ही नहीं आओगे, आप ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैं अभी भी यही हूँ और मैं बाकी समय पर भी यही रहूंगा, आप निश्चित रहिए, क्योंकि मैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और कॉलेज लेक्चर तक की हिंदी को मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ, राजस्थान जीके में पूरी पढ़ाता हूँ। साथियों साथियों आप जुड़िए, आप निश्चित रूप से जुड़िए, आपको बेनिफिट होगा, मैं वादा करता हूँ। एक छोटा सा जो पैनल है ना, इस छोटे से पैनल पर आपको वो कंटेंट देके जाऊंगा कि जिंदगी में याद रखोगे आप लोग। इस छोटे से पैनल पर, ये पैनल है मेरे लिए तो बहुत बड़ा पैनल मानता हूं मैं, छोटा भी नहीं बहुत बड़ा पैनल है। अरे वो टीवी टीवी लगा लेते हैं ना, उनसे मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। मैं एक ही छोटे से बोर्ड पर, इस छोटे से बोर्ड पर गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को कि आप जिंदगी में याद रखोगे कि यार क्या बंदा है, मतलब कितना बढ़िया कंटेंट उपलब्ध करवाते हैं, मतलब आप खुद को महसूस होगा इस चीज के लिए। अभी हिंदी साहित्य की क्लासेस चल रही है, आप उसमें देखना, अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आप निश्चित रूप से देखना उसके अंदर कि कितना बढ़िया तरीके से मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखवाया है। आप एक एक चीज के नोट्स बनाइए और मैं गारंटी देता हूं कि कहीं भी अगर आपका हिंदी साहित्य का इतिहास आता है तो ये मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को, उससे बाहर एक क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, ये वादा है मेरा, देख लेना आप लोग। इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं मेहनत करता हूं, मेहनत करता हूं। आपने भी दिल से मेहनत करी है ना, तो आप भी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे उस समय, सर मेरे इतने मार्क्स हैं, देखो आपका सिलेक्शन हुआ है। और जिनका सिलेक्शन हुआ है मैं गारंटी दे रहा हूं, उनको अगर कॉन्फिडेंस है तो वो एक गुणा के अंदर भी आएंगे, इनसे कुछ नहीं होता, ये कोई फिक्स आंकड़े नहीं है कि इतनी ही जाएगी। अरे भगवान को किसी को पता नहीं है वहां पर कि क्या होने वाला है। अभी जब वहां पर कंप्यूटर आए, जब वो मेरिट निकलती है ना, उस समय पता लगता है कितने स्टूडेंट कितने नंबर पर है, किसी को कोई पता नहीं है। बड़े बड़े दावे करने वाले धराशायी हुए नहीं हुए, बड़ी बड़ी क्लासेज वाले धराशायी हुए नहीं हुए, बताओ। कहते थे अरे अरे 110 जाएगी, 115 नंबर, 115 क्वेश्चन जाएंगे, 110 नंबर, 110 क्वेश्चन जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे जबरदस्ती, मतलब ये गलत बात है। इस तरह से स्टूडेंट उस समय बहुत डिमोटिवेट हुआ, लेकिन मैंने वीडियो बना करके डाला, नहीं 100 क्वेश्चन से पूरी नीचे रहेगी, 94 क्वेश्चन मैंने आपको उस समय बताए थे। और मैं बता दूं जनरल में मैंने बोला था 94-5 में जाएंगे, ये मैंने आपको बोल दिया था उस समय, आप देख लीजिए उससे भी कम परसेंटेज गई है। अब आप सोचिए कि ये मैं बता रहा हूँ ऑथेंटिक बता रहा हूँ, आप देख लेना बड़ी से, इसके इर्द गिर्द ही परसेंटेज रहने वाले, इसके इर्द गिर्द ही मार्क्स रहने वाले हैं, ये मैं दिल से आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। विश्वास मानिएगा और जरूर जुड़िएगा, आपको ये चैनल वो चीज देने वाला है कि आपको लगेगा कि यार जबरदस्त बात करते हैं सर, देख लेना आप लोग। तो यहां पर जर्नल की जो परसेंटेज, जर्नल में 186 गए हैं, लेकिन अब 10 नंबर का उछाल हो सकता है, 9 नंबर का उछाल हो सकता है, तो 194 से 196 नंबर जा सकते हैं। ये मैं फिर भी बता दूं, एक संभावित कट ऑफ है, मेरे को तो ये भी नहीं लग रही भैया, मेरे को तो -3 इसमें और लग रहा है, मतलब मैं बता रहा हूं आप लोगों को, मेरे को तो ये भी नहीं लग रही, क्योंकि कम ही रहने की संभावना है, ज्यादा मेरिट पर बच्चे कम होते हैं, ये मैं 100% आपको बता रहा हूं। जितने ज्यादा नंबर होंगे उतने ही उस नंबर पर बच्चे कम रहते हैं, यही बात है, और आप देख लेना ऐसा ही होने वाला है, बहुत उलटफेर होने वाला है, अच्छे अच्छे धराशायी हो जाएंगे, देख लेना आप लोग। 175 गए थे ओबीसी के, आपको पता है जाने की संभावना 184 186 है, एक गुणा की बता रहा हूं आप लोगों को। एससी में 157 गए थे, 164 से 166 तक जाने की संभावना है, ठीक है, ये मतलब संभावना बता रहा हूं आप लोगों को, घबराने की आवश्यकता नहीं है, अरे सर ने इतनी बता दी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पिक्स कोई आंकड़ा नहीं है। 143 गए थे किसके, एसटी के, तो 150 से 153 जाने की संभावना है। एमबीसी के 172 गए थे, अब 180 से 182 तक जाने की संभावना है। EWS के 166 गए हैं, 175 से 177 तक जाने की संभावना है। साथियों मैं तो फिर भी कह रहा हूं कि -3 करके ही चलो आप, तो ज्यादा जाने की संभावना मुझे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट के इतने मार्क्स नहीं बन रहे हैं, सब हवा बनाते हैं, अरे हवा बनाने से कुछ नहीं होता, स्टूडेंट डीमोटिवेट होता है, अरे क्यों डीमोटिवेट करते हो, सिलेक्शन तो जिसका होना है हो जाएगा, पर लेकिन अरे हमें सांस तो लेने दो, बार बार तरह तरह के वीडियो डाल देते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब बेकार की बातें हैं साथियों।
साथियों निश्चित रूप से आप यकीनन मानिए, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ आप लोगों को, इसके इर्द गिर्द रहने वाली है ये, एक संभावित कट ऑफ मैंने बता दिए, आपको किसी के वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो साथियों आपको शायद अच्छा लगा होगा, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग अच्छे अच्छे तरीके से कि किसकी क्या है, पहले ये गई थी और अब ये जाने की संभावना है। बस इतनी सी बात याद रखिएगा कि अब सबसे बड़ा प्रश्न यही हर स्टूडेंट के जहन में आता है कि यार अब एक गुणा में जब आना है तो कितनी जाएगी, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, एक गुणा में यहाँ तक का मामला रह सकता है। और इससे लेवल टू के रिजल्ट पर, जो लेवल टू का जो रिजल्ट है वो 15 जून तक आने वाला है, सबको पता होगा मेरे हिसाब से। और मैं आपको बता दूं, जो 15 जून तक लेवल टू का रिजल्ट आ रहा है उसमें बहुत बड़ा चेंजेज होगा, देख लेना आप लोग, बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। लोगों ने बड़ी बड़ी बातें तो कर दी लेकिन देख लेना आप लोग, बहुत बड़ा धमाका होगा। इसके लिए वीडियो में आप लोगों को बता के बनाऊंगा, देख लेना आप लोग भी यहाँ पर, ठीक है। साथियों मेरे हिसाब से आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, नमस्कार।